नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन सिंह चेंगर है और इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश जीएस फॉर एमपीपीएससी प्री एंड मेंस 2019 एंड 2020। इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश, और ये जो लेक्चर सीरीज होगी जो स्पेशली 2019 के मेंस के लिए बेनिफिशियल है, और आने वाला जो 2020 का प्रीलिम्स होगा उसमें भी ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। मेनली अगर ज्योग्राफिकल डिवीजन की बात करें मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है सेंट्रल हाईलैंड है, सतपुड़ा मैकाल रेंज, एंड थर्ड वन जो है वो ईस्टर्न और बघेलखंड प्लेट्यू है। इस लेक्चर में मेनली हम सेंट्रल हाईलैंड पे फोकस करेंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम सतपुड़ा मैकाल रेंज और ईस्टर्न और बघेलखंड प्लेट्यू को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो सेंट्रल हाईलैंड है उसको मेनली फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया है, बुंदेलखंड प्लेट्यू है, रीवा पन्ना प्लेट्यू है, और मालवा प्लेट्यू है, और नर्मदा सोन वैली है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मालवा प्लेट्यू की अगर बात करें तो मेनली इसमें जो ये है मालवा प्लेट्यू, इसका जो परसेंटेज है वो 28.62% है एमपी का, और ये वेस्टर्न पार्ट में इसकी लोकेशन है एमपी के, और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अराउंड 16 हैं। और जैसे कि देख सकते हैं हम गुना है, विदिशा, राजगढ़, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच का भी पार्ट इसमें आता है, नीमच का पार्ट आता है थोड़ा सा, और रतलाम, झाबुआ, धार, देवास, श्योपुर, विदिशा, उज्जैन, साजापुर, आगर मालवा, जो हमारा 51st जो डिस्ट्रिक्ट बनी थी 2013 में, 15th अगस्त 2013 में ये बनी थी, और ये इसमें डिस्ट्रिक्ट आती हैं। अगर हम मेनली इसकी बात करें कि इसकी जो एवरेज हाइट है सी लेवल से वो 350 से 400 मीटर है, और जो मैक्सिमम हाइट है वो 800 मीटर है। अगर टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, तो टेम्परेचर जो होता है वो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहता है मैक्सिमम टेम्परेचर, और रेनफॉल जो है वो 75 से 125 सेंटीमीटर होता है एनुअली। रिवर्स मेनली यहाँ पर चंबल रिवर जो इंदौर के मऊ से निकलती है, माही रिवर है, चिप्रा है जिसके किनारे उज्जैन बसा हुआ है, पार्वती नदी है, ये यहाँ से निकलती हैं, और मेनली जो रॉक होता है वो डेक्कन ट्रैप से बना हुआ होता है, जो डेक्कन ट्रैप का रॉक पाया जाता है वो इसमें प्राप्त होता है। और क्रॉप्स की बात करें, क्योंकि डेक्कन ट्रैप का जो सॉइल होती है वो ब्लैक सॉइल होती है, और इसलिए ये जो ब्लैक सॉइल के लिए हम जानते हैं कि ब्लैक सॉइल में कॉटन और सोयाबीन और ग्राउंडनट और शुगर, इसका कल्टीवेशन अच्छा होता है। और मालवा रीजन में जो मेनली जाना जाता है वो वीट कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है मालवा में, जो पीक्स हैं, पीक्स की अगर बात करें तो इसमें सिगार ये 881 मीटर इसकी हाइट है, सेकंड पे धजारी 810 मीटर, और जनापाव माउंटेन्स यहाँ से चंबल नदी निकलती है मऊ के पास ही इंदौर में है, इसकी जो हाइट है 457 मीटर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया मालवा। आप चाहें तो इसके नोट भी बना सकते हैं शॉर्ट में जिस टाइप के। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, इसको को स्टेट्स ऑफ चंबल भी कहते हैं, और ये जो पार्ट है इसमें ये कंट्रीब्यूट करता है 10.62%, और कहीं 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 पर ये 10.68 भी देखने को मिलता है,
और इस रीजन में जो बारिश होती है वो लेस देन 75% होती है, और जो हाई एवरेज हाइट इसकी 300 to 500 मीटर है सी लेवल से। रिवर्स हैं, चंबल है, चंबल इसलिए दी गई है क्योंकि ये यहाँ से बॉर्डर बनाती हुई श्योपुर मुरैना और भिंड ये यमुना नदी में इटावा के पास मिल जाती है, इसलिए इसमें चंबल का भी नाम आया। काली सिंध है, शिवपुरी के पठार से निकलती है, और पार्वती रिवर ये भी है। रॉक की बात करें तो साउथर्न पार्ट में इसके डेक्कन ट्रैप मिलता है, और विंध्यन रॉक क्योंकि विंध्यन सीरीज ये रिवर पन्ना प्लेट्यू है तो ये भी यहाँ पर ये मिक्स सॉइल मिलती है। अगर क्रॉप की बात करें तो बीट है, बार्ले है, ज्वार है, ये यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और क्लाइमेट की बात करें तो ये कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट यहाँ पर है। क्वेश्चन अगर आता है दोस्तों कि राइट अ नोट ऑन सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं, जैसे भिंड मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी, और ये डाल के फिर उसके बाद। और ये भी याद रखना दोस्तों कुछ कुछ पार्ट ये नीमच का भी इसमें आता है, नीमच मंदसौर का कुछ पार्ट इसमें आता है, तो इसमें हम डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। सेकंड पे हम डालेंगे परसेंटेज कितना है, फिर एवरेज हाइट डाल देंगे, रेनफॉल डाल देंगे, रिवर्स कौन सी हैं ये बता देंगे, रॉक टाइप बता देंगे, क्रॉप बता देंगे, सॉइल बता दें, तो हमारे 6-7 पॉइंट्स हो जाएंगे। और एक अगर चाहे तो मैप भी डाल देंगे, तो अपना ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो उसमें कम से कम 3 नंबर या 4 नंबर तो हमें मिल जाएंगे। अगर आप मैप डाल देते हैं, मैप बना देते हैं, तो हो सकता है कि 5 नंबर भी इसमें मिल जाए। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें तो रीवा पन्ना प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आती हैं दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, कुछ पार्ट सागर का भी इसमें आता है थोड़ा सा, और इसका जो परसेंटेज है वो 10.37% ये कंट्रीब्यूट करता है ज्योग्राफिकल एरिया में एमपी के। और इसकी अगर बात करें तो इसके फीचर्स क्या हैं दोस्तों, इसके फीचर्स हैं यहाँ पर जो हाइट है एवरेज हाइट इसकी सी लेवल से वो 300 to 400 मीटर्स है, और मैक्सिमम हाइट इसकी 750 मीटर है। और यहाँ पे जो रेनफॉल है, जो रेनफॉल है, ये रेनफॉल 125 सेंटीमीटर होता है एनुअल रेनफॉल, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ एमपी चचाई वाटरफॉल ये बीहड़ रिवर पर, विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ टोन्स, जो टोन्स नदी की ट्रिब्यूटरी है, रीवा में मिलता है। तो चचाई रेनफॉल ये बघेलखंड में देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो विंध्यन, क्योंकि सीरीज यहाँ पर मिलती है, विंध्यन सीरीज के रॉक्स होते हैं, और जैसे लाइमस्टोन है, डायमंड्स हैं, जैसे रीवा पन्ना माइंस यहाँ पर हैं, तो उसके लिए वो डायमंड के लिए फेमस है, लाइमस्टोन है, तो ये यहाँ पर मिलता है। और जो सॉयल है यहाँ पर ये लेटराइट सॉयल, क्योंकि हिली एरिया है, और हिली एरिया पर, रेंजेस के एरिया पे हमें लेटराइट सॉइल सॉइल मिलती है। और यहाँ पर जो क्रॉप है वो वीट है, ज्वार है, ऑयल सीड्स हैं, ये यहाँ पर मिलते हैं। और नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें तो ये है नेक्स्ट दोस्तों बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बुंदेलखंड में मेनली दतिया है, और कुछ पार्ट ये है, ये इतना पार्ट आता है इसमें। जो हाईएस्ट पीक है इसकी सिद्ध बाबा है, ये याद रखना दोस्तों बुंदेलखंड की हाईएस्ट पीक क्या है, सिद्ध बाबा है, इसको मैंने डाल दिया है, कभी भी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, सिद्ध बाबा हाईएस्ट पीक है। और दतिया है, टीकमगढ़ है, निवाड़ी जो हमारे छत्रपुर अलग हुआ है, ये निवाड़ी, ये 52nd डिस्ट्रिक्ट बन गई है मध्य प्रदेश की, छतरपुर है, टीकमगढ़ है, दतिया है, कुछ पार्ट यहाँ पर ये बॉर्डर पे आते हैं, तो ये पन्ना का भी कुछ पार्ट इसमें आता है। और ये देख बात कर,
दोस्तों इसमें मैंने इसकी जो लोकेशन है, ये जो निवाड़ी है ये टीकमगढ़ से अलग हुआ है, तो इसकी लोकेशन ये यहाँ पर रही और ये 57 डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है और इसका कंट्रीब्यूशन 7.7% है। अगर हम बात करें कि अदर फीचर्स क्या हैं, अदर फीचर एवरेज हाइट है इसकी सी लेवल से 150 से 400 मीटर है। रेनफॉल की अगर बात करें तो 75 से 103 सेंटीमीटर है एनुअल रेनफॉल। और मेन जो रिवर है वो बेतवा रिवर है जो यूपी और एमपी के बीच में बॉर्डर बनाती है, और बेतवा ऑप्शन में नहीं होती है, जो जामनी है ये एमपी और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती है। मेनली रॉक की बात करें तो ग्रेनाइट और नीसेस रॉक, यहाँ पर नीस रॉक प्राप्त होते हैं, और क्रियो जिसमें क्रॉप होती है ज्वार है, बीट है, लेंटिल्स है, लेंटिल्स मीन्स दाल है, और मिक्स्ड सॉइल यहाँ पर मिलती है दोस्तों, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो नर्मदा सोन वैली की बात करें तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफिकल एरिया में वो 27.92% है टोटल एमपी के ज्योग्राफिकल एरिया में। और यहाँ पर मेनली जो अलीराजपुर है, खरगोन, खंडवा, होशंगाबाद, रायसेन, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आती हैं इसके अंतर्गत। और ये एक रिफ्ट वैली है जिसमें जबलपुर, ये यहाँ से ये जो नर्मदा नदी बहती है ये अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, ये अनूपपुर है, यहाँ से ये नर्मदा निकलती है और रिफ्ट वैली क्रिएट करती है। और नर्मदा एकमात्र रिवर है जो एमपी की, नर्मदा और ताप्ती दो हैं, सॉरी नर्मदा और ताप्ती हैं, जो ईस्ट से वेस्ट की साइड फ्लो होती हैं। एंड अगर और कुछ इसके बारे में देखें दोस्तों तो ये जो एवरेज हाइट इसकी 300 मीटर सी लेवल से, रेनफॉल की बात करें 55 टू 140 सेंटीमीटर, रिवर्स की बात करें तो नर्मदा सोन है, रॉक की बात करें तो नर्मदा सोन एंड जोहिला भी है यहाँ पर दोस्तों, जोहिला जोहिला रिवर भी है, लेकिन वो इसलिए हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो अमरकंटक से निकलती है और वो नॉर्थ साइड फ्लो हो जाती है, इसलिए जोहिला इसमें इसमें नहीं आएगी। जोहिला दोस्तों इस ये आएगी कि बघेलखंड साइड जाएगी ये यहाँ पर। और ठीक है दोस्तों, मैं एक करेक्शन करना चाहता था कि जो मैंने प्रीवियस लेक्चर बनाया था मिनरल्स का, उसमें मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोला था कि एमपी की जो पोजीशन है आयरन प्रोडक्शन में वो फर्स्ट है, जबकि जो कर्नाटका है वो रिजर्व में फर्स्ट है, एमपी की पोजीशन नहीं है, और उड़ीसा प्रोडक्शन के मामले में फर्स्ट है। और सेकंड इस वीडियो में जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो काली सिंध है, काली सिंध ये देवास के बागली गांव से निकलती है, देवास के बागली विलेज, देवास का बागली विलेज वहां से ये निकलती है, ना कि सीपरी के पठार से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोग इसका एडवांटेज ले सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।